So good morning. ठीक है, हो गया. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो आगे बढ़ते हैं आज फिर से. तो पहले देखें, हमने पिछले टर्न पर कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके कुछ इलस्ट्रेशंस भी किए थे हमने. तो आज इस टर्न पर हम पहले तो होमवर्क डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे. पिछली बार मैंने बात की थी आपसे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के कॉम्पोजिशन की, तो आज हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि हम शायद आज इनवर्स ऑफ फंक्शन भी टच कर लें. तो ठीक है, तो पहले डिस्कशन देखते हैं. डिस्कशन में मुझे ऐसा याद कुछ आ रहा है कि आई गेव यू एक्सरसाइज वन. एक्सरसाइज वन में जो दिया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26, 27, 33. मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क डिस्कशन. तो देखें क्या क्या दिया था. तो जो होमवर्क में दिया था, दैट वाज एक्सरसाइज वन में दिया था क्वेश्चन नंबर 26, 27, 33, देन 34, 38, फिर 39 भी दिया था, 40, 41, 44 और 45. ये प्रॉब्लम्स दिए थे. उम्मीद है आपने ये प्रॉब्लम्स कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो कर लेना अच्छे से. ठीक है, तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज वन पर. सो पहले देखते हैं 26, 27. तो 26 देखते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 26 आपको दे रखा है fx. 26 डिस्कस कर देते हैं, ठीक ठाक प्रॉब्लम है. 27 हो गया होगा. 26 में f दे रखा है r2r, और fx है कितना? fx है ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. देन फाइंड अनदर फंक्शन g सो दैट गॉफ x इज इक्वल टू x. गॉफ x क्या होना चाहिए? गॉफ x इज इक्वल टू x. गॉफ x x के इक्वल होना चाहिए. गॉफ x x के इक्वल है, देन फाइंड f, देन फाइंड g2. ये क्वेश्चन है, हमें g2 फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. g2 फाइंड करना है, तो g ऑफ fx x है, तो इसका मतलब g ऑफ fx एक्स है. अब मुझे जी ऑफ टू चाहिए, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या चाहिए? टू. तो आप एफ एक्स इक्वल टू टू का मतलब एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू. इसका मतलब हो गया एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर. तो अगर मैं अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एक्स कैसे फाइंड आउट करूँ? मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज. तो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो गधे से गधा आदमी समझ सकता है, ऊपर वन बच जाएगा. आप समझ गए क्या? क्यों? ये बचेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाइन प्लस वन माइनस एक्स. एक्स एक्स कट गया, ये आ गया, इज इक्वल टू ई स्क्वायर. रेसिप्रोकल कर दो, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू. ये सेकेंड कंडीशन, और ये फर्स्ट. फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड. जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई की पार माइनस टू, यानी एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई की पार माइनस टू बाय टू. तो यानी अगर मैं एक्स को कितना रखता हूँ, ये, तो इसी में क्या करो, फुट एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई की पार माइनस टू बाय टू. तो जैसे ही आप ये रखोगे यहाँ पर, तो ये तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ टू, क्योंकि उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि आपने एक्स कैसे निकाला, इसको टू के इक्वल रखकर, टू के इक्वल रखकर आपने एक्स निकाला, और एक्स इतना आ गया. इसका मतलब जब एक्स को आप यह रखेंगे ई की पार टू प्लस ई की पार माइनस टू इन एफ एक्स, देन एफ एक्स विल बिकम टू. तो आपने एक्स को उठा के ये रख दिया, और उधर आ गया ई स्क्वायर ई की पार माइनस टू बाई टू. दैट इज द वैल्यू ऑफ जी टू. आई होप ये क्लियर हो गया. ठीक है, तो चलिए ये हुआ 26. 27 आप कर लेंगे खुद से, एक्स माइनस टू का फैक्टर, एक्स को टू रख दो, के आ जाएगा. फिर 27 के बाद 33, लेट अस सी 33.
33 भी हो गया होगा, क्योंकि 33 में 4 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस रूट टू माइनस एक्स की रेंज बतानी थी, तो ये रेंज तो आराम से पता लगा दी होगी आपने, कोई खास मुश्किल है नहीं, क्योंकि रूट ऑफ एक्स प्लस टू 4 माइनस एक्स की रेंज आपको बता ही रखी है, इक्वल टू वाई रख के स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 33 हो गया होगा। अब 34 देख लें, लेट अस डू 34। इन प्रॉब्लम नंबर 34 यू आर गिवन y माइनस मॉड y इसको लिख सकता हूं x माइनस मॉड x। ये कह रहा है इनमें से अ लाइन मूव्स इन द रीजन गिवन बाय दिस ग्राफ, लाइन इस रीजन में घूमता है, ठीक है। तो पहले वो रीजन पता लगा लें, फिर पूछा है कि नीचे इनमें से कौन सा ग्राफ पर चलते हुए आप सेफली लाइन से बचे रहेंगे, तो पहले तो रीजन पता होना चाहिए कि लाइन घूमता कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दो केसेस होंगे। केस वन क्या, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा y माइनस मॉड y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू मॉड y, और y इक्वल टू मॉड y कब होता है, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का के साथ में क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कौन सा आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया पूरा अलॉन्ग विद द बाउंड्री, दैट इज इट, ठीक है। फिर केस टू क्या, अगर x जीरो से छोटा हो तो दिस विल बिकम y माइनस मॉड y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर भी दो केसेस होंगे, पहला केस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो 2x इज इक्वल टू जीरो आ गया, लेकिन 2x इक्वल टू जीरो का मतलब x इक्वल टू जीरो, ये तो गड़बड़ हो गया। तो y अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या आ गया, 2y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू x। ये कब आया, जब y लेस देन जीरो हो और x भी लेस देन जीरो हो, यानी y इक्वल टू x का हिस्सा, कौन सा हिस्सा आएगा, वो हिस्सा आएगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि गौर से देखो x लेस देन जीरो और y लेस देन जीरो कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें वो हिस्सा मिल गया जहां पर y इक्वल टू x का वो हिस्सा मिल गया जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी के ये, सो दैट इज द फाइनल रीजन इन विच द लाइन मूव्स, ठीक है। ये रीजन हो गया, इसमें शेर घूमता है, तो शेर ये एक जंगल का क्षेत्र है जिसमें घूम रहा है, और एक पगडंडी है जिस पर शेर चलता है, ठीक है। तो अब पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ पर चलते हुए आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो पहला है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x, माइनस मॉड x। तो आप देखें ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y एक्सिस के अबाउट। मैंने बताया था जब इवन पढ़ा था हमने कि इवन का हम यूज कहाँ ले सकते हैं, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में। तो ये इवन फंक्शन है, जीरो पर वैल्यू कितनी आएगी, 1, उसके बाद लगातार वैल्यू घटती जाएगी, तो इट इज दिस एंड दिस। बताइए क्या शेर से बचेंगे, अबे तुम तो जंगल में घुस गए, दिस इज रॉन्ग। दूसरा जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू 1 अपॉन x, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x, यहाँ देख लो यार, y इक्वल टू 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर, ये बना, क्या बचे रहे, नहीं, ये भी बर्बाद है, दिस इज ऑल्सो बर्बाद। y इक्वल टू सिग्मा x, गधे से गधा जानता, वो ऊपर बनेगा, ये बनेगा, वो भी बर्बाद है। फिर लास्ट है y इज इक्वल टू, अब लास्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, शायद वहाँ जगह ना बचे, तो लेट मी रिमूव दिस। हमने ये रीजन तो डिसाइड कर ही लिया है, अब हमें सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस मॉड x का होल मॉड, ठीक है। तो पहले तो तू इसका ग्राफ सोच ले यार, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड x प्लस 4, ये बनेगा मॉड x, और उसको कितना यूनिट ऊपर उठा दिया, 4 यूनिट ऊपर उठा दिया, और इसका मॉड लेंगे तो सेम चीज़ वापस आएगी। अब उसका भी मॉड लेंगे तो ये माइनस 4 पे नीचे ऐसे बन जाएगा, उसका नेगेटिव लेंगे सॉरी, क्योंकि आपको पता है माइनस एफ एक्स का ग्राफ, ये भी क्लास में बता रखा है, माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, और एफ ऑफ माइनस एक्स का बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने किसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया, अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ऊपर था, कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो मैं ये मिटा देता हूँ, खोपड़ी के ऊपर से गया,
समझ में तो नहीं आया, तो ये बन गया भाई। ठीक है, अब देखो शेयर या तो यहाँ है या फिर इस लाइन पर मूव करता है, तो क्या आप शेयर से बचे रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो यू शुड मूव अलोंग दिस कर्व सो दैट यू स्टे सेफ। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो हटाएंगे, चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। 34 हो गया, 38 भी दिया था भाई। 38 क्लास में कर चुके हम पहले। 39 देख लो, अच्छा सवाल है। मतलब मैंने तुम्हें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो यहाँ सॉल्व ही करा दिए, अच्छे अच्छे जो भी थे, मतलब मैक्सिमम कर ही दिया। होमवर्क में भी आई डिस्कस 82-90% आई कैन से 82-90% आई डिस्कस हियर ओनली। तो वो जो वीडियो सॉल्यूशन है उस पर तुम्हारी निर्भरता या डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर ना के बराबर। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लिखा है एक्स माइनस टू माइनस टू रूट एक्स माइनस थ्री माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू रूट x माइनस थ्री। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इज एन ऑन टू फंक्शन, फाइंड बी। f कैसा फंक्शन है भाई? f एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ऑन टू है तो बच्चा बच्चा जानता है रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो हमें सिर्फ रेंज निकालनी पड़ेगी, कोडोमेन है b, तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो b इक्वल टू रेंज आ जाएगा। तो बस मुद्दा यह है यू फाइंड द रेंज ऑफ इट। नाउ हाउ डू वी फाइंड, देखो एक ट्रिक देखो यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस वन माइनस टू रूट एक्स माइनस थ्री। जब तक तुम सोचोगे क्या बना, मैं अगला भी लिख देता हूँ। एक्स माइनस थ्री का रूट का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू रूट एक्स माइनस थ्री। देखो गौर से दुनिया वालों, ये क्या बना? ये बना रूट ऑफ x माइनस थ्री माइनस वन का मॉड्यूलस, एंड दैट बिकम्स मॉड्यूलस ऑफ रूट ऑफ x माइनस थ्री प्लस वन, बट दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से हमारे पास दो केस आते हैं। केस वन, पहला केस कि भैया रूट ऑफ x माइनस थ्री वन से बड़ा या इक्वल हो, इसका मतलब x चार से बड़ा या इक्वल हो। तो अगर x फोर से बड़ा या इक्वल है तो उस केस में दिस विल ओपन एज रूट ऑफ x माइनस थ्री माइनस वन माइनस रूट ऑफ x माइनस थ्री माइनस वन। ये अब हमारे बीच नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आई, दैट इज माइनस टू। केस टू, केस टू क्या लेगा यार, रूट ऑफ x माइनस थ्री इज लेस देन वन। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री लेस देन वन, बट इट शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि नहीं तो रूट डिफाइंड नहीं होगा। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स कहाँ हो, तीन से लेकर चार के बीच में हो। तो उस केस में दिस विल बिकम, तो यहाँ शायद स्क्रीन के बाहर ना चला जाए, अब ये भी तो डर रहता है यहाँ पर, तो यहां कर देते हैं। तो दिस विल ओपन एज दिस फर्स्ट मॉड विल ओपन विद अ माइनस साइन, सो इट विल ओपन एज माइनस रूट एक्स माइनस थ्री, एंड द सेकेंड विल बी माइनस रूट एक्स माइनस थ्री माइनस वन। तो ये वन और ये वन तो गया, और ये आ गया माइनस टू रूट एक्स माइनस थ्री। अब देखो एक्स कहां से कहां तक है, तीन से चार, तो एक्स तीन से चार, तो ये कहां से कहां तक होगा, जीरो से एक, जीरो से एक वन पर ओपन। उसका रूट कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से एक, यही होगा। तो इंटू टू करके कहाँ, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस टू से जीरो ये आएगा। तो अगर मैं तुमसे रेंज पूछूँ तो रेंज होगी, देखो पहले रेंज क्या आ जाएगी, माइनस टू। इस केस में एफ हमेशा माइनस टू वैल्यू लेता है, इस केस में माइनस टू से जीरो। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ ये फिर से यार दिख रहा है ना स्क्रीन के अंदर, आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। रेंज ऑफ एफ हो गया माइनस टू से जीरो, और यही क्या होना चाहिए,
बी, क्योंकि एफ कैसा है, ऑन टू सब्जेक्टिव, सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 39 ऑल्सो डन. नाउ लेट अस मूव अहेड. 39 हो गया, 5 सेकंड देता हूं, देख लो. फिर 40 41 40 कर लिया होगा, आसानी है. 41 देखते हैं. तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 41. इन प्रॉब्लम नंबर 41 वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ वन एक्स इज इक्वल टू 2 to the power एफ टू एफ एक्स, एंड एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2012 टू द पावर एफ थ्री एक्स. कहाँ कहाँ घुमा रखा है. और एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू 1/2013 टू द पावर, बहुत ही सुंदर, एफ फोर एक्स. एंड एफ फोर एक्स इज लॉग टू द बेस 2013. ये बहुत ही छोटा सा सवाल हमारे सामने, लॉग टू द बेस एक्स 2012. ये है भाई छोटा सा, ठीक है. हमें एफ वन एक्स निकालना है, इसमें एफ वन एक्स बताना क्या है. चलो देखते हैं. तो क्या करें, पहले एफ थ्री, फिर एफ थ्री से कौन आएगा एफ टू, फिर एफ टू से कौन आएगा एफ वन, यही होगा. और हमें क्या करना था, एफ वन एक्स बताना था ना. क्या करना है भैया, हाँ भैया ये करना है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ वन एक्स. यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ वन एक्स, दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. ठीक है, वेल एंड गुड. तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं. तो एफ थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2013 टू द पावर माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 2013 ऑफ लॉग टू द बेस एक्स 2012. तो यहाँ दुनिया वालों एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, वो ये लॉग टू द बेस एक्स 2012 शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, अदरवाइज दिस लॉग विल नॉट बी डिफाइंड, प्रोवाइडेड. ठीक है ना, ये समझ में आया. क्योंकि अगर ये जीरो से छोटा हो गया तो बर्बाद हो जाएगा. और जब हम जानते हैं लॉग में ये आर्ग्यूमेंट क्या है, वन से बड़ा. और ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब एक्स भी वन से बड़ा हो. ठीक है ना, क्योंकि लॉग में आप जानते हैं अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों वन से बड़े हो या दोनों वन से छोटे हो तो लॉग पॉजिटिव होता है. अगर एक वन से बड़ा और एक वन से छोटा हो तो लॉग नेगेटिव होता है. तो ये वन से बड़ा है तो ये भी वन से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो ये आ गया. तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं, सीधा क्या टेढ़ा, सीधा जो भी. ये माइनस को यहाँ पावर में लगा सकते हैं, तो दिस विल बिकम 1/log 2012 टू द बेस एक्स. इसका मतलब दिस बिकम्स log x टू द बेस 2012, सो दैट इज f3. नाउ वंस यू हैव गॉट f3, f3 आने के बाद आप f2 की तरफ बढ़ेंगे. f2 ऑफ x हो जाएगा 2012 टू द पावर log x बेस 2012. निश्चित रूप से x हो जाएगा, x क्या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हम तो वन से बड़ा लेके बैठे हैं भाई. अब f1 ऑफ x हो जाएगा 2 to the power x. अब यहीं पर लोग गलती करते हैं, मतलब ये नहीं लिखते तो आपके पास रेंज क्या आएगी, 0 से infinity. और देखो आंसर में होगा, पक्की बात है, मुझे लगता है होना चाहिए अगर एक समझदार व्यक्ति ने प्रॉब्लम बनाया तो. हाँ है ना, देखो 0 से infinity कैलकटा पॉइंट है ना, तो 0 से infinity तो नहीं आएगा. 1 से 1 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ थ्री विल बी इक्वल टू 2. 2 पर क्या आएगा बेटा, ओपन, तो 2 to infinity. देखो एक ओपन और क्लोज दोनों होने चाहिए क्वेश्चन में, नहीं ओपन ही है एक तो. तो 2 to infinity दैट वुड बी द आंसर टू द 41st प्रॉब्लम. तो 41st हो गया यार. फिर नेक्स्ट इज 44 बिल्कुल 44 भी देख लें. 44 में आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, हो सकता है
वहां पर दे रखा है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसकी तीन रूट्स हैं, और एफ एक्स जो दे रखा है दैट इज गिवन टू बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एट. इफ एफ एक्स हैज थ्री रियल रूट्स देन एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो यार ये थोड़ा आपको पैराडॉक्सिकल नहीं लगता? पैराडॉक्सिकल इन द सेंस दैट इफ एफ हैज थ्री रूट्स देन इट मीन्स इट इज जीरो एट थ्री पॉइंट्स, एंड इफ इट इज जीरो एट थ्री पॉइंट्स देन इट विल बी मेनी वन. व्हेन इट इज मेनी वन इट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, बिकॉज बाइजेक्टिव मीन्स इट शुड बी वन वन एंड वन टू. सो वट शुड हैपन, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम जानते हैं वो वन, देखो ऑन टू होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. क्यों नहीं है दिक्कत? अरे कोई वादा ही नहीं है भाई, एक्स क्यूब लगा है, एक्स क्यूब लगा है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज तो ऑटोमेटिकली पूरा आर आएगी ही आएगी. सिर्फ वन वन होने में दिक्कत है, और वन वन होने में अगर दिक्कत है तो हम क्या चाहेंगे कि वो वन वन बेसिकली क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी तीन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, बिकॉज इट हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स. तो पहली बात तो तीन डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होनी चाहिए. रूट कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए. रूट शुड बी वन ओनली. मतलब वन का मतलब वो तीनों रूट्स क्या कर जानी चाहिए? कॉन्साइड कर जानी चाहिए. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आई एम सेइंग इज एफ कैनॉट हैव थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, बिकॉज इफ इट हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स then it will become 0 at 3 different points, and if it becomes 0 at 3 different points then it won't be bijective. kai log kahe sir kya pata do root same ho, ek bhi nahi ho sakta bhai, do root same ho aur ek root different ho, that is also not possible. dimag se laga ke dekh, wo bhi possible nahi hai. yani kul milakar teen distinct roots ya do equal ek different nahi ho sakti. teenon roots kaisi honi chahiye? same honi chahiye. aur jab aap teenon roots same ho jayenge uska derivative karo, yani fx kaisa dikhai dega? एफ एक्स शुड लुक लाइक एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब. एफ एक्स शुड लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देना चाहिए. तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आएगा थ्री इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर. व्हेन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर इट विल बी वन वन, तो दैट इज फुलफिल्ड. तो यानी एफ एक्स शुड लुक लाइक दिस, तभी वो वन वन हो सकता है. तो इट इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. यह आया भाई, तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई माइनस अल्फा क्यूब शुड बी इक्वल टू माइनस एट, तो अल्फा हो गया टू. अब तो सुदामा भी कर लेगा. सुदामा पता है ना कौन था? बहुत ही गरीब ब्राह्मण. श्री कृष्णा देखा होगा ना आजकल डी डी नेशनल पर तुमने. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट प्रूव्स That 44 is done. Next is 45. Which of the following? ये तो मैं बता नहीं रहा, ये भी हो गया. चलो भाई 45 ये भी पूरा हुआ. So that was the homework discussion. तो खत्म हो गया ये काम. Homework discussion तो हुआ खत्म. अब हम आते हैं composite function की तरफ. So let us come to composite function now. तो last turn पर हमने वो एक problem किया था, वो सब हो गया. उसके पहले हमें अब एक काम और करना पड़ेगा. कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बाद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि पहले कंपोजिट पढ़ लें फिर प्रॉपर्टीज, या फिर पहले प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं. तो एज यू से, बट यू कैन नॉट से समथिंग बिकॉज यू आर देयर, आई एम हियर. सो वी कैन नॉट, यू कैन हियर मी बट आई कॉन्ट हियर यू. तो क्या करें? चलो पहले कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे.
तो कंपोजिट ऑफ सॉरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन तो अब देखो ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अटेंटिवली सुने, ठीक है. ये थोड़ा सा वैसे ही रहता है, लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. हालांकि इतना दिमाग लगाने वाली बात है नहीं. तो लेट मी पिक अप द स्मॉलेस्ट एंड द ईजिएस्ट एग्जाम्पल. मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स इज गिवन टू बी 1 प्लस एक्स और फिर 3 माइनस एक्स और एक्स है 0 से 2. और यहां एक्स है 2 से 3, ठीक है. फाइंड एफ ओ एफ ऑफ एक्स, यू टू फाइंड ऑफ एक्स. ये फाइंड करना है. तो चलिए एफ ऑफ एक्स होता है एफ एक्स, यही होगा एफ एक्स. का मतलब क्या, जहां जहां एक्स दिखे एफ में वहां वहां एफ एक्स रख दो. ये तो मतलब हुआ क्योंकि अब एफ का इनपुट कौन हो गया, एफ एक्स. तो दिस विल बिकम 1 प्लस एफ एक्स. ये कब, जब एफ एक्स कहां से कहां तक हो, 0 से 2. और 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एफ एक्स. ये कब, जब एफ एक्स हो 2 से 3, ठीक है. यानी अब कुल मिलाकर हमें ये पता लगाना है कि एफ एक्स कब 0 से 2 और एफ एक्स कब 2 से 3 है. तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप एफ एक्स का ग्राफ बना लें. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स. नाउ मेकिंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स is not a difficult task because it consists of two straight lines only. और straight line बनाने के लिए दो points चाहिए होते हैं, या तीन point में ज़्यादा सुंदर बनती है. नहीं, दो में भी उतनी ही सुंदर बनती है जितनी तीन में सुंदर बनती है, ठीक है ना. straight line की खासियत है. तो straight line बनानी पड़ेगी. आपको बोले सर हर बार का graph बनाएंगे, हाँ maximum times तो graph बना सकते हैं. दूसरा तरीका भी बताऊँगा, एक और algebraic method भी बता देंगे. लेकिन हाँ graph बनाना चाहिए, that would be easier, ठीक है. और अब कोई बोले सर यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, अबे ऐसा नहीं आता, IIT को भी पता है. वो वहाँ मूर्ख नहीं बैठे, उनकी भी दिमाग पर विश्वास रखो, गधे नहीं है वो लोग भी. दे ऑल्सो हैव ब्रेन्स एंड मच मोर ब्रेन्स देन यू आर कैरिंग, ठीक है ना. कोई सोच सर यहाँ साइन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर कॉस एक्स आ गया तो कैसे बनाएंगे, अबे नहीं बनाएंगे, वो नहीं पता है, ठीक है ना. तो इतना चिंता नहीं करें. हम ऐसे जो ग्राफ ड्रॉएबल ग्राफ आएंगे जो आप ड्रॉ कर सकें, तो फिलहाल 3 माइनस तो 1 प्लस एक्स. देखो भाई 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 पर वैल्यू है 1, 2 पर वैल्यू कितनी है 3, तो 2 पर 3, सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज 3. ये 1 को थोड़ा नीचे खिसकाना चाहिए यार, है ना, लग नहीं रहा वो 3 है. तो थोड़ा सुंदर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम. तो से दिस इज 1 एंड दिस इज 3, तो 2 पर इट टेक्स द वैल्यू 3. तो ये वैल्यू हो गई 3 और इस पर एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स, वो भी लिख दिया मैंने, थोड़ा छोटा लिखा है, नज़र तो आ रहा होगा. वो लैंडस्केप मोड में देखोगे ना, पोर्ट्रेट मोड में तो नज़र आ जाएगा. तो ये आ गया. अब एक्स को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1. तो ये 1 था भाई, यहाँ आएगी 1, लेकिन ओपन आएगा, आप समझ गए ये ओपन है. और 3 पर द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, सो एट 3 दिस इज 0 और इस पर एफ एक्स है 3 माइनस एक्स, ठीक. अब मुझे एफ एक्स कहाँ चाहिए, 0 से 2. तो देखो
अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी, एफ ऑफ एफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ उठा के एफ एक्स रख दिया। दूसरा काम क्या किया, क्योंकि हमें एफ एक्स ही कहाँ से कहाँ तक है, तो एफ एक्स का ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत इधर तक? बोले सर नाउ इट इज़ वेरी इजी, टिल नाउ वी हैवंट फेस अ सिंगल एन आयाटा ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अब एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो वाई एक्सिस पर मिलती हैं, दे आर ऑब्टेंड ऑन दिस वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस पर मिलती हैं तो आप देख सकते हैं कि टू वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी, और टू वैल्यू किस एक्स पर मिलेगी, टू वैल्यू मिलेगी वन पर, ठीक है। अब मुझे चाहिए एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू, एफ एक्स जीरो से टू यानी एफ एक्स की ये वाली वैल्यू चाहिए जीरो से टू, तो इसमें कौन कौन सा हिस्सा आएगा, एक तो ये हिस्सा आएगा और जीरो से टू में एक ये हिस्सा आएगा, दो हिस्से आएंगे। अब खोपड़ी के ऊपर से जाना शुरू हो गया, क्या बोला मैंने, जीरो से टू चाहिए एफ एक्स की वैल्यू जीरो से टू किस हिस्से में आती है, ऐसा करो ऐसा स्लाइड करो ऐसे श्यों करके स्लाइड किया, तो उसमें कौन सा हिस्सा है, ये वाला और एक ये वाला, दो हिस्से आ गए, देख लो आराम से, कोई दिक्कत इधर तक नहीं। तो एफ एक्स है जीरो से टू, तो अगर मैं इसको अब यहाँ देखूँ, इस वक्त एफ एक्स कितना है, वन प्लस एक्स, तो ये हो गया वन प्लस एक्स, और इस पर एफ एक्स कितना है, थ्री माइनस एक्स, तो वन प्लस थ्री माइनस एक्स, मैंने लिख दिया वन प्लस एफ एक्स है ना, एफ एक्स ये कितना है इस पर, वन प्लस एक्स है, तो एफ एक्स उस पर है वन प्लस एक्स, और इस वाले हिस्से पर एफ एक्स कितना है, थ्री माइनस एक्स, इसी में काम चल रहा है जीरो से टू में, वन प्लस थ्री माइनस एक्स लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक्स की रेंज लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, वो भी चाहिए। देखो इसमें एक्स जीरो पर वैल्यू कितनी है, वन, वन पर वैल्यू कितनी है, टू, तो जीरो पर वन है और वन पर वैल्यू टू है, तो पूरा इंटरवल जो देखा जाए, ये पूरा इंटरवल जीरो से वन आ रहा है, एक्स जीरो से वन जब वेरी कर रहा है इस इंटरवल के लिए, इसके लिए। अब इसके लिए देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, टू से थ्री, तो टू से थ्री, थ्री पर क्लोज क्यों, क्योंकि थ्री पर वैल्यू कितनी है, जीरो, और जीरो तो है वहाँ पर, और टू पर ओपन हो, क्यों, टू पर वो डिफाइंड नहीं है, तो ये आ गया, समझ में आया या गया खोपड़ी के ऊपर, जीरो से टू चाहिए था, श्यों करके ये हिस्सा, दो हिस्से आ गए, इस हिस्से पर एफ एक्स है वन प्लस एक्स, यहाँ रख दिया वन प्लस एक्स, उस हिस्से पर एफ एक्स है थ्री माइनस एक्स, रख दिया थ्री माइनस एक्स, ठीक है। अब जब थ्री माइनस एक्स रख दिया, फिर उस वाले हिस्से पर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वन, इस वाले हिस्से पर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, टू से थ्री, तो टू से थ्री हो गया। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अगला एक और चांस है, अब एफ एक्स कहाँ चाहिए, टू से थ्री, तो देखो बेटा टू से थ्री ये वाला हिस्सा आएगा, तो टू से थ्री टू से थ्री ये हिस्सा आएगा, दिस इज नीडेड। इस वक्त एफ एक्स कितना है, फिर से वन प्लस एक्स, लेकिन काम अब यहां चल रहा है, तो थ्री माइनस वन प्लस एक्स, और यहां एक्स की रेंज आएगी। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, वन पर वैल्यू कितनी है, टू, लेकिन यहां पर टू पर क्या लगा है, ओपन, टू इसमें नहीं आ रहा, तो क्या ये वन आएगा, नहीं आएगा, वन पर क्या आएगा, ओपन आएगा। टू पर वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री, टू पर वैल्यू थ्री, ये पूरा एंड तक आ रहा है, तो एक्स का कितना लेंगे, टू, ये हो गया टू, यानी के एफ ऑफ एफ एक्स हो गया, ये हो गया टू प्लस एक्स, ये कब, जब एक्स जीरो से वन, फिर हो गया टू माइनस एक्स, ये कब, जब एक्स वन से टू है, और फोर माइनस एक्स, ये कब, जब एक्स टू से थ्री, सो दैट इज इट, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। गया खोपड़ी के ऊपर से, पहले एक ही मेथड समझ लो, दूसरा तो बाद में समझाऊंगा ये समझ में तो नहीं आया होगा, ये आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका और भी है वैसे तो अगर आप कहो तो वो दूसरा तरीका भी बता दूं, उसमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा बस। बोले हाँ सर वो ही बता दो, तो चलो वो भी बता दूं। पहले आप इस वीडियो को यहीं पर एक बार फिर रिवाइंड कर लें, फिर इसे देख लें, ठीक। रिवाइंड मतलब पूरा रिवाइंड मत करना, बस इतना ही, ये यहाँ तक
ताकि ये पूरा ये एग्जाम्पल फिर से एक बार देख सको, तो दो बार देखना इसको। अब लेट मी मूव बाय सेकेंड मेथड, तो मैं अब ये हटा रहा हूँ। ये भी हटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये तो ग्राफिकल मेथड था। अब दूसरा एलजेब्रिक मेथड है, उसमें क्या करना है यार, देख एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ज़ीरो से टू। एफ एक्स कितना है, वन प्लस एक्स या फिर थ्री माइनस एक्स, तो आप क्या करो, यहाँ पर आपको चाहिए एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ज़ीरो से टू। मैं ये भी मिटा रहा हूँ यहाँ से यार, तो मेरे पास कितना समय अभी बचा है, 24 मिनट्स बच गए लगभग, तो ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ, सब हटा रहा हूँ, ये भी हटा देता हूँ। तो लेट मी बिगिन, क्या चाहिए एफ एक्स, ज़ीरो से टू। एफ एक्स कितना है, वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से टू आप रखें, मतलब सॉरी एफ एक्स को ज़ीरो से टू रखें, यानी वन प्लस एक्स को आप रख दें ज़ीरो से टू, वन प्लस एक्स, क्योंकि एफ एक्स वन प्लस एक्स है, ज़ीरो से टू। तो एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, माइनस वन से वन, लेकिन इस रेंज में एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से टू, तो यानी मैं यहाँ पर, तो एक्स कायदे में कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स विल बिलोंग टू क्लोज्ड ज़ीरो से वन। समझ गए क्यों, पहला क्या किया हमने, वन प्लस एक्स को रखा कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से टू रखा। ये देखते हैं ना भाई एफ एक्स ज़ीरो से टू कब रहता है, एफ एक्स ज़ीरो से टू आया जब एक्स माइनस वन से वन हो, लेकिन ये तो सिर्फ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ज़ीरो से टू, तो माइनस वन से वन ज़ीरो से टू, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ गया, ज़ीरो से वन। इसी तरीके से फिर आप क्या करें, थ्री माइनस एक्स उसको कहाँ से कहाँ तक रखें, तो ये पहला किया, फिर ये दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, थ्री माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, फिर से ज़ीरो से टू, ये देखने के लिए कि भैया ज़ीरो से टू कब रहता है, तो ज़ीरो से टू में यानी माइनस एक्स होना चाहिए माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में, यानी एक्स होना चाहिए वन से थ्री के बीच में, लेकिन यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, टू से थ्री, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा टू से थ्री क्लोज्ड, और टू पर देखो गौर से ओपन है, ठीक है, तो ये निपट गया पूरा, यानी कि अब हम लिख सकते हैं वन प्लस वन प्लस एक्स कब, जब एक्स ज़ीरो से वन, फिर हम लिख सकते हैं वन प्लस थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स जब एक्स टू से थ्री को, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब एफ एक्स को रखेगा टू से थ्री, अब एफ एक्स को रखेगा टू से थ्री, एक बार किसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तो सेकेंड, तो थर्ड में यहाँ कर रहा हूँ, क्या करेगा थर्ड में, वन प्लस एक्स को रखेगा किधर से किधर तक, टू से थ्री, तो टू से थ्री ऐसा, टू से थ्री, तो एक्स आएगा वन से टू, एक्स आ गया वन से टू, तो यहाँ पर अपने पास जो हो जाएगा वन से टू, समझ रहे हैं ना, ये वन से टू आ गया, तो एक्स अगर वन से टू आया और हमने इसी को रखा तो वन से टू पूरा इंटरवल चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चौथी बात, अब हम रखेंगे थ्री माइनस एक्स को कहाँ से कहाँ तक, वही टू से थ्री, तो माइनस एक्स हो गया माइनस वन और ज़ीरो के बीच में, तो एक्स हो गया ज़ीरो और वन के बीच में, लेकिन यहाँ तो एक्स टू से थ्री है, यानी ये तो संभव ही नहीं, यानी यहाँ से सिर्फ यही आया एफ एक्स कितना है वन प्लस एक्स, तो थ्री माइनस वन प्लस एक्स और कब, जब एक्स हो कितना, वन से टू, दैट इज इट, सो दिस बिकम्स अगेन टू प्लस एक्स फोर, और ये टू माइनस एक्स, ये फोर माइनस एक्स, कब, पहले वाला जब एक्स जीरो से वन, दूसरे वाला जब एक्स वन से टू है, और तीसरे वाला जब एक्स टू से थ्री है, दैट इज फिनिश्ड। तो देख लो पिछले वाले से टैली कर लेना, यही आया। तो ये जो दूसरा तरीका है एलजेब्रिक मेथड, मेथड टू, इसमें आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा काम दाम बढ़ जाता है कि
क्योंकि आप एक बार एफ एक्स जीरो से टू पता लगाएंगे, जीरो से टू इसको भी रखेंगे और जीरो से टू इसको भी रखेंगे, फिर टू से थ्री इसको भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे, और एनालोगसली एक्स की रेंज निकालते जाएंगे और काम बढ़ता जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ी फील आ जाए, ठीक है। तो बेटर कौन सा लगा तुमको? मेरे ख्याल से ग्राफिकल, मेरे पर्सनल ख्याल से मतलब ग्राफिकल वाला मेथड थोड़ा बेटर है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं। एफ एक्स है वन माइनस एक्स, एक्स प्लस टू, फोर माइनस एक्स। ये कब है भाई वो देख लें आप, ये तब है जब x 0 से 1 है, एंड दिस इज व्हेन x इज फ्रॉम 1 टू 2, एंड दिस इज व्हेन x इज फ्रॉम 2 टू 4। यू हैव टू फाइंड अगेन f o f ऑफ x। फाइन, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड अगेन। अब ये जरूरी नहीं हर बार f o f o, एफ ओ जी भी हो सकता है वहाँ, वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझ में तो आए। तो ये देखते हैं एफ ओ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस एफ एक्स, देन विल बी एफ एक्स प्लस टू, देन इट इज फोर माइनस एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स है जीरो से वन, यहाँ एफ एक्स है वन से टू, और यहाँ एफ एक्स है टू से फोर, ठीक है। वन माइनस एफ एक्स ये सब दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करें, एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इट इज वन माइनस एक्स, जीरो पर वैल्यू आएगी वन, और वन पर जीरो। फिर इस पर एफ एक्स कितना है, वन माइनस एक्स है, वन माइनस एक्स। फिर अगला है एक्स प्लस टू, वन पर वैल्यू कितनी आएगी, थ्री, वन पर वैल्यू थ्री, और टू पर वैल्यू विल बी फोर। तो वन पर वैल्यू आई है थ्री, दिस इज थ्री, एंड दिस वैल्यू इज फोर, एंड दिस इज टू पर भी ओपन ही आया। ओपन आप समझ गए ना क्यों आया, क्योंकि टू पर यहाँ ओपन लगा हुआ है, तो टू पर वैल्यू फोर, सो दैट इज टू। फिर यहाँ आ जाओ, टू पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर टू, टू पर वैल्यू टू, क्लोज है, और फोर पर वैल्यू जीरो। फोर पर वैल्यू कितनी आई है, जीरो आ गई, और इस पर एफ एक्स कितना है, फोर माइनस एक्स, और इस पर एफ एक्स है एक्स प्लस टू। तो ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रीजन है जीरो से वन। अब जीरो से वन, तो ये वन है, ये बनाया हमने शो करके, और ये जो आएगा ये आएगा थ्री। तो जीरो से वन के बीच में कितने रीजन आए, दो। कौन कौन से, देखो ये थोड़ा, एक ये आया और एक ये आया, ये दो रीजन आए। तो अगर ये दो रीजन आए जीरो से वन, तो पहले रीजन के लिए वन माइनस, वन माइनस एक्स, दूसरे रीजन के लिए वन माइनस
फोर माइनस एक्स, क्योंकि एफ एक्स उस वक्त वन माइनस एक्स है, उस पर फोर माइनस एक्स है। और अब हम देखना पड़ेगा एक्स की रेंज क्या आएगी, गरीब से गरीब आदमी जानता है ये तो पूरा जीरो से बना जाएगा पूरा का पूरा इंटरवल, और यहाँ थ्री से फोर आ जाएगा, समझ गए ना, थ्री थ्री से फोर पूरा थ्री भी आएगा क्योंकि थ्री पर वैल्यू वन है और वन तो हमें चाहिए यहाँ पर और फोर पर जीरो, तो ये आ गया। तो ये खत्म हुआ पहला पार्ट। अब इसका दूसरा वन से टू, वन से टू इज दिस पार्ट, सो वन से टू रंग चेंज कर लेते हैं, तो वन से टू इज दिस, दैट इज वन टू टू। तो वन टू टू में एफ एक्स कितना है, यहाँ काम चल रहा है, ये पूरा हो गया ध्यान रखना, यहाँ काम चल रहा है एफ एक्स वन से टू, एफ एक्स कितना है फोर माइनस एक्स, तो फोर माइनस एक्स प्लस टू, और इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक है टू से थ्री। अब देखो टू पर क्लोज लगाऊं क्या, टू पर वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर टू, नहीं भाई टू पर टू आ रही है, टू तो नहीं चाहिए, तो टू पर ओपन लगा, और थ्री पर वैल्यू आ रही है वन, वन भी नहीं चाहिए, तो टू से थ्री ओपन, तो ये हो गया। ठीक है एक एक ही लाइन में लिख लेते हैं फोर माइनस एक्स प्लस टू, सीधा सीधा बिल्कुल ठीक है। अब ये वन से टू वाला रीजन फिनिश्ड। अब टू से फोर, टू से फोर जब करेंगे, ये फोर है भाई, टू से फोर, टू से फोर में देखो एक तो ये पॉइंट आएगा टू पर, और टू से फोर में एक ये रीजन आएगा, तो दो चीज़ें आएंगी टू से फोर में, यू गेट अ पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस रीजन। तो पहले ये वाले पॉइंट की बात कर लें, ये वाले पॉइंट में एक्स कितना है टू, और वैल्यू कितनी है एफ एक्स की टू, तो हमारे पास क्या है यहां पर फोर माइनस एफ एक्स, तो फोर माइनस टू, समझ में आया क्या किया, दोबारा से देख लो, यहां पर एक्स कितना है टू, तो एक्स टू है, वैल्यू कितनी है फंक्शन की टू, तो फोर माइनस टू। भाई जैसे यहां पर अगर फंक्शन की वैल्यू फोर माइनस एक्स थी तो यहां लिख दिया वन माइनस फोर माइनस एक्स, तो इसी तरह से फोर माइनस टू। और अब इस रीजन पर आ जाओ, इस रीजन में फोर माइनस एफ एक्स कितना है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, और एक्स कहां से कहां तक रेंज कर रहा है देखो वन से टू, एक्स इज रेंजिंग फ्रॉम वन टू टू, और वन पर भी ओपन ही आएगा क्योंकि यहां वैल्यू है ही नहीं, टू पर भी ओपन आएगा क्योंकि यहां भी वैल्यू नहीं है। तो फाइनली व्हाट डज एफ ऑफ एफ एक्स बिकम, इट बिकम्स वन से वन गया एक्स आया जीरो से टू, जीरो से वन सॉरी जीरो से वन, अगला वन से टू ये आ जाएगा, ये वाला लेते हैं, इट विल बी टू माइनस एक्स जब एक्स वन से टू, फिर अगला आएगा टू से थ्री सिक्स माइनस एक्स, टू से थ्री, टू पर क्लोज्ड सिक्स माइनस एक्स, तो टू पर ओपन ही है भैया, और एक्स इक्वल टू टू पर वैल्यू टू, और लास्टली टू से थ्री हो गया थ्री से फोर, इट विल बी एक्स माइनस थ्री, आ गया थ्री से फोर, सो दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। तो ये अपने पास आ गया पूरा फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स। अब ये फिर से मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल है थोड़ा समझना, है ही पहले ही बताया था, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करें, फिर देखें, फिर रिमाइंड करें दो बार, एक एग्जांपल को जरूर देखें और फिर उसके बाद आप खुद करें, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो खुद कॉपी पेन पर बैठें और करें। ठीक है, ऐसे तो मैं कितने भी एग्जांपल करा दूंगा फिर से बात तो वही होगी, तो एक लास्ट, ये क्लियर हो गया ना अच्छे से, तो चलिए एक एफ जी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ एफ और जी हो। ठीक है, मात्र 10 मिनट बचे हैं। तो एफ एक्स है, माइनस वन प्लस
मॉड एक्स माइनस टू एक्स जीरो टू फोर, एंड जी एक्स इज टू माइनस मॉड एक्स, एंड दिस इज व्हेन एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू थ्री. यू हैव टू फाइंड गॉफ एक्स. तो पहले तो गॉफ एक्स फाइंड करते हैं. तो पहले तो मॉड वॉड लगा है तो बेटर रहेगा हम पहले इस एफ एक्स को हम ओपन कर लें. तो इट विल बी माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स. अगर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर टू के बीच में, और अगर एक्स टू से फोर हो. और देखो इक्वल टू यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टू यहाँ लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ओपन क्लोज्ड, मतलब यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया. अभी सोचो यहीं क्यों लगाया सर ने, वहाँ भी लगा सकते हैं. और ये हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, यानी एफ एक्स हमारे पास हो गया, ये हो गया माइनस एक्स वन माइनस एक्स. कब, जब एक्स जीरो से टू है, और जब एक्स टू से फोर है देन इट इज एक्स माइनस थ्री. दैट इज व्हाट एफ एक्स इज. अब अगर मैं बात करूं जी एक्स की, तो जी एक्स तो खैर सिंपल ही है, वो हो जाएगा टू प्लस एक्स अगर एक्स जीरो से टू है, सॉरी माइनस वन से ज़ीरो है यार, माइनस वन से ज़ीरो. और अगर एक्स जीरो से, ज़ीरो से किधर तक है, फोर तक है, ज़ीरो से फोर, तो ये हो जाएगा, अरे ज़ीरो से थ्री, ज़ीरो से थ्री है ये, इसमें बात कर रहे हैं ना, तो टू माइनस एक्स है. तो ये हमने एफ एक्स जी एक्स थोड़ा मॉड वर्ड हटा के लिख लिया. ठीक, एक बार देख लो अच्छे से. पहला केस लिया जब दो से चार हो एफ में, दो से चार तो एज इट इज खुल गया, तो आपके पास एक्स माइनस थ्री आ गया. फिर ज़ीरो से तो ये टू माइनस, तो वन माइनस एक्स आ गया. ठीक है, फिर ये टू माइनस टू प्लस एक्स हो गया माइनस वन से ज़ीरो, और ज़ीरो से थ्री हो गया टू माइनस एक्स. अब हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स बनाना है. तो जी ऑफ एफ एक्स देखें, तो जी ऑफ एफ एक्स यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स रख दो. तो टू प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से ज़ीरो, और एफ एक्स ज़ीरो से थ्री तो आएगा टू माइनस एफ एक्स. ये आ गया. अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, क्योंकि हमें पता लगाना है एफ एक्स माइनस वन से ज़ीरो कब है और ज़ीरो से थ्री. तो ग्राफ किसका बनाएंगे, एफ एक्स का. तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स. तो एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं. एफ एक्स है वन माइनस एक्स, जीरो पर वैल्यू वन आएगी और टू पर वैल्यू माइनस वन आ जाएगी. ये वैल्यू माइनस वन, और टू पर वैल्यू यहां पर माइनस वन, और फोर पर वैल्यू कितनी आएगी, वन. टू पर वैल्यू माइनस वन और फोर पर वैल्यू वन. ये बिल्कुल एक साथ, फोर पर वैल्यू वन. तो ये है फाइनली. तो यहाँ ये देख लें, ये वैल्यू कितनी है, थ्री, सॉरी वन वन, और ये वैल्यू कितनी है, थ्री. क्लियर हो गया ना. और ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, और ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री. ये है ठीक. अब हमें पहला चाहिए माइनस वन से ज़ीरो. देखो बेटा, माइनस वन से ज़ीरो एफ एक्स यहाँ होगा, तो वो श्यो, एक तो ये पार्ट आ गया और एक ये पार्ट आ गया, दो पार्ट आ गए. तो यानी मैं लिख सकता हूँ टू प्लस, इस पर तो है वन माइनस एक्स,
और उस पर है टू प्लस एक्स माइनस थ्री। यहां पर x इस रीजन में कहां से कहां तक है, इसमें है x वन से लेकर टू तक, तो टू पर वैल्यू माइनस वन, माइनस वन पर क्लोज है, और जीरो पर ओपन है तो वन पर ओपन, वन से टू ये आ गया। फिर अगला है ये वाला रीजन, इसमें x है टू से लेकर थ्री तक, x lies in टू टू थ्री। और एक चीज और बता दूं, यहां पर जब हमने इधर बनाया था याद करो, तो इस वाले रीजन में ये वाला पॉइंट नहीं था, तो ये छोड़ देंगे, इधर छोड़ दो या उधर इंक्लूड कर लो, एक ही बात है। मैंने बताया था आपको, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब हमने ये लिखा है जीरो से टू, तो वन माइनस एक्स में ये टू शामिल नहीं है, लेकिन टू किस में शामिल है, वो इसमें शामिल है, तो मैंने यहाँ वन से टू लिखा ओपन। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि वन पर वैल्यू कितनी है जीरो, वन पर वैल्यू है जीरो, और हमें क्या करना है जीरो चाहिए नहीं यहाँ पर, और टू पर वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस वन पे क्लोज लगा, लेकिन टू पर वैल्यू यहाँ इस वाले ग्राफ में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती इस ग्राफ में। अब इस वाले ग्राफ पर आ जाए, इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, टू से लेकर थ्री तक, टू पर वैल्यू कितनी है माइनस वन, और वो इसमें है माइनस वन, और थ्री पर ओपन, क्योंकि जीरो इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है। अब अगला केस है जब जीरो से थ्री हो, तो जीरो से थ्री में दो हिस्से आएंगे, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो आप क्या करें यहाँ पर, बस ये स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी गुंजाइश है बस, तो यहाँ क्या लिखूँ, टू माइनस वन माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर टू माइनस स्क्रीन के अंदर आ रहा है ना, पता नहीं यार, हाँ तो रहा है जहाँ तक, हाँ टू माइनस वन माइनस एक्स और टू माइनस एक्स माइनस थ्री। और इस वक्त देखो एफ एक्स, ये एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर वन तक, और वन पर वैल्यू कितनी है, वन पर वैल्यू है जीरो, और जीरो पर क्लोज लगा तो वन पर क्लोज, जीरो पर यहाँ वैल्यू कितनी है वन, और वन तो आएगा इसके अंदर तो जीरो पर क्लोज। फिर अगला ये रीजन है एक्स माइनस थ्री, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, थ्री से फोर, तो थ्री से फोर, थ्री पर क्लोज, फोर पर भी क्लोज, क्योंकि फोर पर वैल्यू कितनी है वन जो है इसमें चाहिए हमें, और थ्री पर वैल्यू कितनी है जीरो जो कि फिर से चाहिए हमें। सो दिस इज इट, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स क्या बन गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स बिकम्स, दिस बिकम्स जीरो टू वन, इट इज वन प्लस एक्स, जीरो टू वन, जीरो टू वन, फिर वन से टू इट इज थ्री माइनस एक्स, एंड देन टू टू थ्री इट इज एक्स माइनस वन, एंड देन टू टू थ्री, थ्री पर ओपन लगाया यहां पर, एंड देन थ्री टू फोर इट इज फाइव माइनस एक्स, दैट इज वॉट जी ऑफ एफ एक्स इज। तो ये हुआ जी ऑफ एफ एक्स। अब फिर से तो हो सकता है ये खोपड़ी के थोड़ा सा ऊपर गया हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये रिवाइंड करो और फिर देखो दो बार फिर समझ में आया क्या किया है। तो सबसे पहले आप वो जो तीन एग्जाम्पल हमने किए उसमें फर्स्ट पार्ट दो बार देखें, सेकेंड पार्ट फिर दो बार देखें, और तीसरा पार्ट फिर दो बार देखें, और फिर इन्हें कॉपी में करके देंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखें अब होमवर्क अगले बार के लिए। सो इन द नेक्स्ट टर्न आप होमवर्क में इसमें डू योर सेल्फ ट्राई कर लें, एक बार डू योर सेल्फ, कंपोजिट और नॉन कंपोजिट फंक्शन का है ना, हमने देखो डू योर सेल्फ हम डिस्कस कर चुके हैं, सेवन तक काम हो गया था पूरा, ठीक है। अब आप करें डू योर सेल्फ एट और सारी इलस्ट्रेशंस। सो द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास इज डू योर सेल्फ एट एंड ऑल द
इलस्ट्रेशंस, ठीक है, और साथ में एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 10 ये कर लें। बस यही इतना ही बहुत है, आप यही कर लें। ठीक है, तो एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 10 बस। तो ट्राई दिस एट होम, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू एंड बाय।